दोस्तों अगर आप झारखंड बीएड की थर्ड राउंड काउंसलिंग करा रहे हैं और आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भी करा चुके हैं या फिर वैसे बच्चे जो जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है तो काउंसलिंग के पहले एक चीज़ जानना होता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है तो अभी हम वही देखने वाले हैं इसमें कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है और आप क्या ऐसा स्टेप लेंगे काउंसलिंग कराते समय क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा दिक्कत ना हो कि आपको कॉलेज ना मिले आपको पूरी तरह से कोई ना कोई बी कॉलेज जरूर मिलेगा और कौन से कॉलेज अच्छे हैं प्राइवेट में यह ये, ये भी बताने वाला हूं रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड या फिर बीबीएम के यू और विनोद भाई से एफिलियेटेड कहें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट करा और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स भी है जो कि प्राइवेट कॉलेज में और वहां कोई भी तरह का परेशान नहीं किया जाता है बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से कॉलेज में अभी तक सीटें बची हुई है और थर्ड राउंड के लिए और कौन से कॉलेज में सीटें नहीं बची हुई है तो मेरा नाम है चिरंजीव और आप देख रहे हैं जे फ्रेंड तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं काउंसलिंग वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस यानी कितनी सीटें कहाँ पर बची हुई है ये चीज़ आपको दिखाएगा तो चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका चौदह तारीख से लेकर उन्नीस तारीख तक लास्ट डेट है काउंसलिंग करने का और आपका बीस तारीख को अलॉटमेंट लेटर जारी होगा पच्चीस तारीख तक पच्चीस जनवरी तक आप एडमिशन करा सकते हैं तो फिर यहाँ हम क्लिक करते हैं दोस्तों ठीक है क्लिक करने के बाद हर एक कॉलेज का डिटेल आ जाएगा कि उसमें कितनी सारी सीटें पर एडमिशन हो चुका है और कितने सीट अभी भी वैकेंट है यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंट सीट लिखा हुआ है इंडिविजुअल सारे कॉलेज में कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है तो अभी हम अच्छे अच्छे कॉलेज की बात करेंगे उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज भी देखेंगे अगर आप कोई भी इंडिविजुअल कॉलेज की बात करें जैसे मैं एक कॉलेज को लेता हूँ जो कि काफी अच्छे कॉलेज में से एक लोग मानते हैं बोकारो स्टिल सिटी कॉलेज को लेते हैं तो बोकारो स्टिल सिटी कॉलेज में आपका सेवेंटी सीटों पर एडमिशन हो चुका है और यहाँ दोस्तों आपके ट्वेंटी सीटें अभी भी बची हुई जो कि जनरल में आठ सीटें हैं ठीक है ई में एक सीट बची हुई है एस सी में एक सीट एस टी में दस सीट बी सी वन में एक और बीसी टू में दो सीटें बची हुई है अगर आप कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन में देखें तो आपका 54 सीटों पर चॉइस फिलिंग हो चुका है दोस्तों और इसमें से 46 सीटें अभी भी खाली है तो इसके जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो चतरा कॉलेज चतरा आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर में यहाँ सेवेंटी सीटों पर एडमिशन हो चुका है क्योंकि आप जानते हैं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें डेढ़ लाख नहीं लगते दोस्तों एक लाख बीस के आसपास ही लगते हैं ठीक है विनावा भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ये चतरा कॉलेज चतरा इसमें भी ट्वेंटी सीटें अभी भी खाली है आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहां पर कैटेगरी वाइज सीटें खाली है अगर आप नीचे फिर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा डोरंडा कॉलेज डोरंडा जो कि काफी अच्छे कॉलेज में से एक है सबका पसंदीदा कॉलेज है यहां पर भी सत्तर सीटों पर एडमिशन हो चुकी है दोस्तों और यहां पर अभी भी तीस सीटें खाली है जिसमें से जनरल की ग्यारह और आ, आपका ई में अगर आप आते हैं जनरल से तो सात सीटें खाली है आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी है ठीक ठाक अगर आप दस हजार रैंक में भी आते हैं सात हजार रैंक में फिर भी अगर ई में आते हैं तो आपका डोरंडा कॉलेज में हो जाएगा एस में तीन एस में पांच बीसी वन में दो और बीसी टू में दो सीटें अभी भी खाली है यहां पर जैसे कि आप नीचे आएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा और उसमें कितनी सीटें अभी भी फुल हुई है सीटें अभी खत्म हो चुका है फुल हो चुका है ठीक है अगर आपका रैंक पांच हजार, हजार के अंतर्गत है तो आप इस तरह के कॉलेज को अलॉट करवा सकते हैं और अगर आप नहीं भी है फिर भी आप प्रिफ्रेंस में दीजिए एक दो कॉलेज इस तरह से और बाकी बाकी प्राइवेट कॉलेज जितना भी है सब रख दीजिए ये भी प्राइवेट कॉलेज है बट ये अच्छे कॉलेज में से एक है तो लोग पसंद करते हैं इसे और इसमें कितनी सीटें बाकी है अभी तो 28 सीटें अभी भी बाकी है यानी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बच्चों के लिए अगर आप जिस इसके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ये बच्चों ने पसंद करा है इसको भले यहाँ 49 एडमिशन हुआ है लेकिन अच्छा कॉलेज में से एक है फिर हाँ अगर मैं बात करूँ बिनोवा भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो आपको बता दू कि गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अच्छे कॉलेज में से एक है दोस्तों ठीक है यहाँ फोर्टी सीटें बची हुई है मेरा एक फ्रेंड पढ़ता है तो उसमें बताता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होता वहाँ पर पढ़ाई के लिए तो आप प्रीफर कर सकते हैं इस कॉलेज को ठीक है ज्यादा परेशान नहीं किया जाता जस्ट इसके नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ग्रिडी कॉलेज यहाँ सेवेंटी नाइन सीटों पर एडमिशन हो चुका है और अभी भी कितने ट्वेंटी वन सीटें बाकी है तो अच्छे कॉलेज में से एक है ग्रिडी कॉलेज और इसके नीचे अगर आप देखें तो नाइन्टी फोर सीटों पर गोड्डा बी एड कॉलेज में एडमिशन हो चुका है ये तो भाई आ, आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ने लगा है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग में नाइन्टी सिक्स सीटें अभी भी फुल हुई है ठीक है नाइन्टी वन सीटें अभी फुल हुई है अरे गोड्डा कॉलेज में आपका नाइन्टी फोर सीटें क्योंकि ये एकदम आउटर एरिया में उधर ज़्यादा बी एड कॉलेज नहीं है तो टी फोर सीटों पर वहां के बच्चों ने एडमिशन करा रखा है यानी एडमिशन कंप्लीट हो चुका है और यहां मात्र छ सीटें ही अभी बाकी है ठीक है तो आपको दिख रहा होगा कि यह कैसे हो चुका तो वहां के एरिया के लोगों ने अपना लोकेशन के अकॉर्डिंग यह सेलेक्ट करा है ठीक है अगर आप गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग की कॉलेज की बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ये आपका नाइन्टी जो दिख रहा है ये चारों गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यहीं पर है ठीक है जो ये है आपका देवघर है जिसमें नाइनटी सीटों पर चॉइस फिलिंग हो चुकी है और आपका नौ सीट अभी भी बाकी है है, और अगर आप कैटेगरी वाइज वाइज देखें तो आप कैटेगरी में 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 जनरल में, देवघर में चार सीटें बाकी है और आपका ईडब्ल्यू में एक भी नहीं है ना ही एस में है एस में एक है बीसी वन में एक है और बीसी टू में तीन सीटें हैं तो अगर आपका ठीक ठाक रैंक है एक हजार, हजार के आसपास भी है तो आप गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को प्रीफर कर सकते हैं और फोर्टी टू नंबर में गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो कि नाइन्टी सिक्स सीटों पर चॉइस फिलिंग हो चुकी है ये हजारीबाग का कॉलेज है दोस्तों अभी चार सीटें अभी भी बाकी है जिसमें से आपका ई में एक है और आपका एस में तीन है तो यहाँ आप हजारीबाग को ना ही डालें जो बी सी वन और जनरल से आते हैं तो हजारीबाग को चॉइस प्रीफरेंस में ना दें नहीं तो एक चॉइस आपका फिर बर्बाद हो सकता है फालतू का चल जाएगा अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ के रांची को देखें ये रांची का बॉयज़ ओनली कॉलेज है ठीक है इसमें दस सीटें अभी बचे हुए हैं का 90 सीटों पर आपका चॉइस फीलिंग हो चुका है कैटेगरी वाइज देखें दोस्तों तो आपका तीन सीटें अभी बाकी हुई है जनरल में ठीक है और ई में वन है एस में दो है और एस में चार है बी सी वन बी टू में एकदम सीटें नहीं है तो अगर आप जनरल में आते हैं तो भर सकते हैं और एस टी में आते हैं तो भर सकते हैं लास्ट में आते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ऑनली है यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी सेकेंड राउंड काउंसिलिंग में वीडियो देख एडमिशन भी लिया बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा था ठीक है लड़की लोगों ने तो बोला कि सर काफ़ी अच्छा लग रहा है अब कब से क्लासेस शुरू गी, वो सब सब ठीक है तो यहाँ पर 94 सीटों पर अभी भी चॉइस यानी एडमिशन हो चुका है सॉरी और आपकी सीट खाली है जिसमें से जनरल की एक है और आपका यहाँ पर बी सी वन में दो है बीसी टू में दो है और ये एस में दो है तो अगर आप ई और एस में आते हैं तो यहां पर चॉइस फिलिंग ना करें ठीक है कहे कि आपको सीट नहीं मिलेगा फिर तो जस्ट इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी यानी जिसे जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी कहते हैं जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है इसमें टोटल 200 सीटें हैं और एक सीटों पर कंप्लीटली एडमिशन हो चुका है और इसमें से अंठावन अड़तालीस सीटें अभी भी खाली है ठीक है और जस्ट इसके नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सेवेंटी नाइन सीटों पर एडमिशन हुआ है जो कार्तिक और राव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है ठीक है और इसमें अभी भी कितनी सीटें बाकी है दोस्तों तो आप यहाँ देखेंगे तो आपका ट्वेंटी वन सीटें अभी भी बाकी है जस्ट इसके नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पचहत्तर सीटों पर महिला कॉलेज ठीक है महिला कॉलेज मतलब हो गया रांची महिला कॉलेज उसमें आपका एडमिशन हो चुका है और 25 सीटें अभी भी थर्ड राउंड के लिए खाली है और इसके नीचे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर ऑन एन एवरेज देखें दोस्तों तो देखिए एडमिशन का ये है तो 50 परसेंट सीटें हर एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज सीटें खाली है किसी में 30 है तो किसी में 60 है किसी में 25 सीटों पर हुआ है तो किसी में पचहत्तर है तो एवरेज आपका फिफ्टी खाली है अगर आप नीचे आएंगे आर कॉलेज झरिया को देखेंगे ठीक है जो कि अच्छे कॉलेज में से एक है उसमें पचास सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी मतलब चॉइस फिलिंग तो बहुत सारे हुए थे बट फिफ्टी सीटों पर एडमिशन हुआ है पचास सीटें अभी भी खाली है आर टी सी कॉलेज में तो इक्यासी सीटों पर आपका एडमिशन हो चुका है और यहाँ पर कितनी सीटें खाली है अभी तो 19 सीटें खाली है आर टी सी कॉलेज में तो ये आर एस कॉलेज को भी नीचे छोड़ दिया ठीक है जस्ट इसके नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा फिर 88 सीटों पर संथाल प्रगना कॉलेज पर एडमिशन हो चुका है और जस्ट इसके नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और 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 तो ज़्यादा नहीं है सब में ऑन एन एवरेज 50 परसेंट सीटें ही बुक हुई है और अगर आप टोटल बात करें तो सात हज़ार तीन सौ चौहत्तर सीटें टोटल आपका एडमिशन हो चुका है और टोटल सीट कितने थे तेरह हज़ार छः सौ और अभी बाकी कितना सीट है जिसमें एडमिशन होने हैं बच्चों का छः हज़ार दो सौ छब्बीस तो मैं आपको वादा किया था कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं ठीक है तो आप क्या करें छः सीटें अभी भी खाली है दो सौ सौ सीटें ठीक है तो आप सबसे पहले चॉइस फिलिंग करने के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करें अगर आपका वन के से लेकर थ्री के अगर आपका सीएमएल रैंक है दोस्तों एक हजार से तीन हजार तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करें नहीं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट ना करें हाँ अगर आपका दस हजार रैंक है फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को एक दो प्रीफर रखें क्यूं? क्यों क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या फिर एस टी एस सी में आते हैं तब आपको सीट भी दिख गया तो एस टी में आते हैं तब नहीं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को ना रखें नहीं तो फिर आपका दो तीन चॉइस फिलिंग बर्बाद चला जाएगा और आपको सीट भी नहीं मिलेगा अगर आप सेमी गवर्नमेंट लेना चाहते हैं और तो आपका तीन या रैंक जो भी है कॉलेज में से आप सेमी गवर्नमेंट डालेंगे ही रैंक रैंक से लेकर दस तक है तो आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट सीट मिलने के चांसेस ज्यादा है ऐसे सीट काफी है तो आपको मिल जाएंगे तो मैं यही प्रीफर करूंगा आपको कि सबसे पहले एक से दो कॉलेज आप गवर्नमेंट रखें यहां पर सीट देखने के बाद उसके बाद दो कॉलेज आप सेमी गवर्नमेंट रखें उसके बाद जो भी आपका पसंदीदा कॉलेज है जैसा कि अभी मैंने बताया कि अच्छे कॉलेज में से एक है ठीक है वो आप रख सकते हैं हां मैं रांची यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कॉलेज बताता हूं ठीक ठाक है जो कि उसका नाम है शहीद शेख विकारी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप और मांझी तरफ से बिलोंग करते हैं तो संगमित्रा में एडमिशन ले सकते हैं ये अच्छे कॉलेज में से एक है बच्चों ने काफ़ी पसंद करा है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप आराम से चॉइस फिलिंग करें उम्मीद है आपको पसंदीदा कॉलेज मिलेगा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है नए हैं चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय टेक केयर